हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वीडियो में आप जो रिकॉर्डिंग करते हो, यानी ग्रीन स्क्रीन के जो ग्रीन स्क्रीन होती है उसको मैजिक्स मूवी एडिटर में आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं एक एक ही पल में, यानी एक जस्ट एक क्लिक पर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मैजिक्स मूवी एडिटर एक बहुत बेहतरीन मूवी एडिटर है जिसमें आप ये काम कर सकते हो मिनटों में, और ये मिनटों में क्या कहते हैं, एक सेकंड में आप उसको सिर्फ जस्ट क्लिक करेंगे और वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि रिमूव कैसे करते हैं वीडियो से। मेरे पास एक वीडियो फुटेज है, मैंने वहाँ यहाँ पे डाउनलोड की है, वो मैं आपको दिखा यूज़ करूँगा इस पर। यहाँ पे देखेंगे मेरे पास इसकी आवाज़ भी आ रही है, इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें ये फुटेज है, ये मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं मैजिक्स मूवी एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया फुटेज जो ग्रीन स्क्रीन किया, मैंने मेरी खुद की नहीं है। तो ये मैं फाइल ऐसे कोई बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल मैंने बना ली। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फुटेज को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके ऊपर ला के ऐसे छोड़ देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। इग्नोर इम्पोर्ट ओनली, डू नॉट एडजस्ट। अब क्या है कि इसके साथ आवाज म्यूज़िक भी है, तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। ये अनग्रुप का बटन है, यहाँ पे देखें मेरा कर्सर है अभी, ये अनग्रुप, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये अलग हो गया, इस म्यूज़िक को डिलीट कर देता हूँ। अब इसको नीचे ले आता हूँ, ओवरले वाले पे लेके आता हूँ, ऊपर मैं मेन बैकग्राउंड सीन रखूँगा। तो ये देखें, आप देखेंगे ये जो सीन है इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक भी ले कर आ सकते हो, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ। यहाँ देखें ये कट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे रिमूव स्टार्ट। उसके बाद इस वीडियो फुटेज का मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करता हूँ, ये क्लिप लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं करता हूँ कट पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा होगा रिमूव एंड, तो यहाँ पे मैं फुटेज छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका इसका ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाई जाए, मैंने एक जो देखें एक स्टेप छोड़ दिया मेन वीडियो के लिए। ठीक है, आपने देख लिया कि मैंने इस फुटेज के लिए एक मेन बैकग्राउंड लगाने के लिए छोड़ दिया। तो क्या करूँगा, इसकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो हटाने के लिए पहले मैं एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड आपके पास कोई भी हो सकती है, वीडियो फुटेज भी हो सकती है और वॉलपेपर भी हो सकता है। मैं वॉलपेपर पे यूज़ करूँगा, वीडियो फुटेज भी इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर से इसको इंपोर्ट करता हूँ, ये देखिए मेरे पास वॉलपेपर पड़े हुए हैं बहुत अच्छे। तो क्या करता हूँ कि यहाँ से मेरे पास नेचुरल फ्रेश व्यू, देखते हैं कैसा कोई अच्छा व्यू मिल जाए। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ चूज़ कर लेता हूँ, अच्छा सा कोई भी हो सकता है, लेकिन आप कोई अच्छा सा चूज़ कर लें। मैं ये सीन, ठीक है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे मैं वॉलपेपर डबल भी लगा सकता हूँ, यानी मैंने एक लगाया, इसको थोड़ा सा इसके मैं साइज बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कोई और चूज़ करके देखते हैं, कोई अच्छा सा मिल जाए जो ये मैच करिए। देखें ये भी ठीक है, ये भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ, इम्पोर्ट ओनली, ये दो हो गए। ठीक है, अब तीसरा सीन भी चेक करता हूँ, कोई और मिल जाए। ठीक है, ये कार वाला भी ठीक है, ये मैंने कार भी इंसर्ट कर ली। ठीक है, ये मैंने कहा इसका भी थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। उसके बाद कोई और वॉलपेपर भी देखता हूँ, दो तीन लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं। ये भी ठीक है, ये ठीक है, आप कोई अपनी मर्ज़ी का चुन लें बैकग्राउंड। ये मैंने ऊपर रखी हुई है मेन पे, पहली लाइन पे टाइमलाइन के। ठीक है, ये टाइमलाइन व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन पर जो वीडियो आप बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, ग्रीन स्क्रीन हटा के जो उस वीडियो के लिए आप बैकग्राउंड चूज़ करना चाहते हैं वो ऊपर वाली लाइन पर रखना, नीचे वाली ओवरले पे आपने वो वीडियो रखनी है जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज होगी। ठीक है, जिस पे आपने रिकॉर्डिंग की होगी वो आपने नीचे रखनी है ओवरले पे। ठीक है, जो मेन है वो ऊपर रखनी है। मैंने दो तीन चुन ली है, अब मैं जाता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ ग्रीन स्क्रीन को। मैंने दो तीन किस्म की बैकग्राउंड लगा ली है, और इसका टाइम बढ़ाना हो तो आगे पीछे ऐसे करके बढ़ा भी सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को चुनता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब जाऊंगा ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे देखें इफ़ेक्ट्स लिखा होगा, इंपोर्ट फेज टाइटल इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं।
यहाँ पे जाएगा इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा वीडियो इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, इसका सब मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा क्रोमा की, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रोमा की नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे जस्ट सबसे पहले जो ग्रीन स्क्रीन हटानी है वो कैसे हटाई जाए, उसके लिए मैं सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा, किसी और के ऊपर मैंने कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है। जस्ट एक क्लिक पर मैं देखें, अभी देखें, एक क्लिक करूँगा और जादू हो जाएगा ये एक मिनट में। ये देखें, आप देखें कैसी नज़र आ रही है आपको, आप इसको आगे पीछे लेके जाऊंगा तो देखें सीन भी चेंज हो रहे हैं लेकिन ये वर्किंग कर रही है, ठीक है, देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो का आ रहा है नज़र नहीं आ रही तो इसका भी एडजस्ट, इसकी विड्थ जो है ना आप वॉलपेपर का चूज़ कर लें, अच्छी इधर विड्थ अच्छी चूज़ कर लें, लेकिन मेरा मकसद आपको ये बताना था कि मैंने बैकग्राउंड लगा लिया, ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन हटा दिया, इससे रिमूव कर दिया, कमाल की होगी ना। इस तरह आप इसको रिमूव कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन को, ठीक है। क्या करना है आपने, आपने जस्ट क्या करना है, आपने पहले अपनी बैकग्राउंड लगा लेनी है, कोई भी लगानी चाहते हो, वीडियो की बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो वो लगा लें, ठीक है, पहले कोई सीन रिकॉर्ड किया हो तो वो लगा लें। तो उसके बाद आपने जो ओवरले पे रखना है ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो, उसको सेलेक्ट करना है, इफ़ेक्ट में जाना है और उसके इफ़ेक्ट्स में आकर क्लिक करना है, मैजिक्स मूवी एडिटर में इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है, इफ़ेक्ट्स क्रोमा की, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया उसका वीडियो इफ़ेक्ट्स में आना है, उसमें आना है क्रोमा की और जस्ट आपने ग्रीन के ऊपर क्लिक करना है और ग्रीन पहले आपने वो फुटेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसकी आप ग्रीन स्क्रीन हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, इफ़ेक्ट्स में आना है, वीडियो इफ़ेक्ट्स में आना है, क्रोमा की क्लिक करना है, क्रोमा की को, और यहाँ पे छह ऑप्शन आएंगी, आपने यहाँ पे किसको करना सेलेक्ट, सिर्फ जस्ट ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और ग्रीन स्क्रीन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को समझ आ गई होगी कि किस तरह आप ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं रिमूव मैजिक्स मूवी एडिटर में। मैजिक्स मूवी एडिटर बेहतरीन टूल है, वीडियो एडिटर है, आप इसमें ग्रीन स्क्रीन को भी हटा सकते हैं और अपनी वीडियो को कूल कर सकते हैं, एक शानदार वीडियो बना सकते हैं। आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें पहले, अपनी ग्रीन स्क्रीन आपके पास होनी चाहिए, कोई ग्रीन कपड़ा वगैरह लगा के आप उसके आगे रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उस सीन को कहीं पर भी जा के इंसर्ट कर सकते हैं, किसी सीन के अंदर भी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को समझ आ गई होगी, मसला परेशानी हो तो मेरी वीडियो को रिकमेंड करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और मेरी कोशिश होगी आपको उसका रिप्लाई भी किया जाए। चैनल मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सकता है, ठीक है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें, शुक्रिया।